क्या आपको लगता है कि चूंकि ट्राइबल्स का इतना बड़ा योगदान था भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में यह बड़ी जीत दिलाने में तो ये काफी लॉजिकल है लोगों के लिए एक्सपेक्ट करना कि कोई ट्राइबल ही अगला चीफ मिनिस्टर होगा छत्तीसगढ़ का देखिए भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री कौन होंगे इसका तय करने का काम हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को है जो संसदीय बोर्ड होता है उनको है और इस बार भी छत्तीसगढ़ में वही होगा हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व ही यहाँ पर मुख्यमंत्री तय करेंगे नहीं पर जब गृहमंत्री अमित शाह आए थे और वो हर चीज जो बोलते हैं बड़ा केयरफुली बोलते हैं आ, तो उन्होंने जिक्र किया था कि इनके लिए हमने कुछ बड़ा सोचा है उन्होंने जब बोला ट्राइबल्स वोटर्स को उन्होंने वोट मांगा उन्होंने बोला कि आपके लिए कुछ बड़ा सोचा है आप कुछ बड़ा सोचा है तो उसके बाद तो मैं ही ही सोच रहा हूं कि क्या पता सीएम सोचा है नहीं ऐसा नहीं है अब बड़ा सोचे हैं तो वही जानेंगे कि क्या सोचे हैं लेकिन मैं तो एक गांव का छोटा कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का और लगातार तीन वर्षों तक पार्टी ने मुझे विभिन्न दायित्व पर काम करने का अवसर दिया है दो बार विधायक रहा हूँ चार बार सांसद रहा हूं तीन बार प्रदेश का अध्यक्ष रहा हूं मोदी जी के पहले शासनकाल में एमओएस का दायित्व तो मिला था तो मैं तो अपने को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि गांव के छोटे से कार्यकर्ता को पार्टी ने इतना उपकृत किया है और आगे भी जो भी पार्टी का आदेश होगा जहां पर भी जिस रूप में काम करना पार्टी आदेश करेगी वो हमारे लिए मान्य होगा हमारे लिए सिर रहेगा अच्छा एक चीज और ये बताइए कि अगर आपको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलता है तो फिर रमन सिंह की तुलना में या फिर भूपेश बघेल की तुलना में छत्तीसगढ़ की जनता को और देश की जनता को क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए आपके हिसाब से छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े चैलेंजेस इस वक्त क्या है और चीफ मिनिस्टर बने ना बने वो आपके हाथ में भी नहीं है और हम भी नहीं जानते लेकिन अगर मौका मिलता है तो छत्तीसगढ़ की डेवलपमेंट प्रायोरिटीज साई साहब आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए देखिए छत्तीसगढ़ में एक तो छत्तीसगढ़ का निर्माण भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया और छत्तीसगढ़ उस समय एक गरीब और बीमारू प्रदेश के रूप में जाना जाता था लेकिन लगातार पंद्रह वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास करने का, का काम किया है